सल्जूकी सल्तनत 11वीं तक 14वीं सदी ईस्वी के दरमियान मशरक वुस्ता और वस्त एशिया में कायम एक मुस्लिम बादशाहत थी। सल्जूक नस्लन आगोज तुर्क थे। इस्लामी तारीख में सल्जूकी सल्तनत को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि यह दौलत अब्बासिया के खात्मे के बाद आलम इस्लाम को एक मरकज पर जमा करने वाली आखिरी सल्तनत थी। सल्जूकी सल्तनत की सरहदें एक जानब तो चीन से लेकर बहराए मतवस्त और दूसरी जानब अदन से लेकर ख्वारज़म और बुखारा तक फैली हुई थीं। सल्जूकियों के जवाल के साथ ही उम्मत मुसलमा में जिस सियासी इंतशार का आगाज़ हुआ, इसी का फ़ायदा उठाते हुए अहलियान यूरोप ने मुसलमानों पर सलेबी जंगें मुसल्लत की थीं और आलम इस्लाम के कलब में मुकद्दस तरीन मकाम यानी बैतुल मुकद्दस शरीफ पर कब्जा कर लिया था। आले सल्जूक का मुअर्रिस आला दक्काक था, जो काशगर के तुर्की कबाइल का एक राइस था। सल्जूक, जिसके नाम से ये खानदान मशहूर हुआ, दक्काक का बेटा था। सल्जूक अपने गैर मुस्लिम तुर्क फरमारवाओं को छोड़कर बुखारा की इस्लामी सल्तनत में चला आया और यहाँ वो और उसका पूरा कबीला मुसलमान हो गया। इस्लाम लाने के बाद सल्जूक और उसका पूरा कबीला बुखारा के करीब मकामे जुंद में कयाम पजीर हुए। इसके बाद सल्जूक ने गैर मुस्लिम तुर्कों पर फतुहात हासिल करनी शुरू की और अपनी कुव्वत बढ़ाता चला गया। सल्जूक ने अपनी वफात के वक़्त तीन लड़के छोड़े, अरसलान, मिकाइल और मूसा। दौलत सल्जूकिया के वारिस मिकाइल के तीन लड़के हुए, जिनमें पेगो, तगरल बेग और चगरी बेग, लेकिन सल्तनत की फरमारवाई तगरल बेग को मिली। तगरल बेग और चगरी बेग की जेर क़यादत सल्जूकियों ने गजनवी सल्तनत से अलीहदगी इख्तियार करने की कोशिश की। इब्तदा में तो सल्जूकियों को सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों शिकस्त उठानी पड़ी और वो सिर्फ ख्वारज़म तक ही महदूद होकर रह गए, लेकिन तगरल और चगरी बेग की जेर क़यादत सल्जूकियों ने 1028 से 29 ईस्वी में मरू और निशापुर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सल्जूकियों ने खुरासान और बलख में मजीद इलाके फतह किए, यहाँ तक कि 1037 ईस्वी में उन्होंने गजनवी सल्तनत के दारुल हकूमत गजनी पर हमला कर दिया। 1039 ईस्वी में जंगे दंदनिकान में उन्होंने सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसूद अव्वल को शिकस्त देकर गजनवी सल्तनत के तमाम मगरबी इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये वो ज़माना था जब बगदाद में तुर्कों और आले बोया की बाहमी मुखासमत ने सख्त बदअमनी फैला रखी थी। अब्बासी खलीफा मोतसिम बिल्ला की वफात के बाद दौलत अब्बासिया पर रोज़ बरोज तुर्कों का तसल्लत बढ़ता ही गया, लेकिन चौथी सदी हिजरी से आले बोया ने अपना इक्तदार खिलाफत बगदाद पर कायम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तुर्कों की कुव्वत पर असर पड़ने लगा। इन हरीफों की कशमकश ने तमाम सल्तनत में हंगामा बरपा कर दिया और बगदाद की हालत खसूसियत के साथ बद से बदतर होने लगी। मजबूर होकर तुर्क सरदारों नेज खलीफा बगदाद ने तगरल बेग को मदद के लिए पुकारा। चनाचे तगरल बेग दिसंबर 1055 ईस्वी में बगदाद में दाखिल हुए और मलक रहीम को गिरफ्तार करके दौलत आले बोया का खात्मा कर दिया। अब बगदाद में आले सल्जूक का असर कायम हो गया। खलीफा बगदाद ने सुल्तान शर्को गरब के खिताब से तगरल बेग की इज्जत अफजाई की। इसके बाद तगरल बेग ने इराक, मोसल और दियारे बकर को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। तगरल बेग की वफात के बाद सुल्तान अलप अरसलान तख्त नशीन हुए। उन्होंने 1064 ईस्वी में अर्मीनिया और जॉर्जिया को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। सुल्तान अलप अरसलान एक बहुत ही बेदार मगज और बहादुर हुक्मरान थे। मशहूर मुदब्बर निज़ामुल मुल्क तूसी को उन्होंने अपने बाप चगरी बेग की सिफारिश पर अपना वजीर मुकर्रर किया। सुल्तान अलप अरसलान के अहद में सल्जूकी सल्तनत की हदूद बहुत ज़्यादा वसी हुई। पहले उन्होंने हर्रात और मावरा उन नहर को अपनी कलमरों में शामिल किया और फिर फातिमी हुक्मरानों को शिकस्त देकर मक्का और मदीना को भी अपनी कलमरों में शामिल कर लिया। जब बाज़ंतीनियों ने सल्जूकियों की बढ़ती हुई ताकत को देखा तो रोमानोस जहारम ने आगे बढ़कर सल्जूकियों को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में सल्जूकियों ने 1071 ईस्वी में इसे इबरतनाक शिकस्त दी और सुल्तान अलप अरसलान ने कैसरे रोम रोमानोस जहारम को गिरफ्तार कर लिया। रोमानोस जहारम ने ना सिर्फ तावाने जंग अदा किया और खराज देने पर रजामंद हुआ,
बल्कि अपनी बेटी सुल्तान के बेटे से ब्याह दी और आर्मेनिया और जॉर्जिया के इलाके भी इनको दे दिए। 1072 ईस्वी में सुल्तान अलप अरसलान की वफात के बाद इनका बेटा मलक शाह अव्वल तख्त नशीन हुआ। मलक शाह अव्वल और इनके दो ईरानी वजारा निजामुल मुल्क और ताजुल मुल्क की ज़ेरे क़यादत सलजूक सल्तनत अपने अरूज पर पहुँच गई, जिसकी मशरकी सरहदें चीन और मगरबी सरहदें बाज़ंतीनी सल्तनत से जा मिली। 1077 ईस्वी में सुलमान बिन कतलमश, जो मलक शाह सलजूकी का एक रिश्तेदार था, उसने नाइसिया पर, जो बाज़ंतीनी सल्तनत का एक मशहूर शहर था, कब्जा करके अपना पाए तख्त बनाया और एक नई सल्तनत सलाजिकाए रूम की बुनियाद रखी। मलक शाह सलजूकी के दौरे हुकूमत को सलजूकियों का सुनहरा दौर कहा जाता है। 1087 ईस्वी में अब्बासी खलीफा ने मलक शाह को सुल्तान मशरक व मगरब का खिताब दिया। मलक शाह के दौर में ही ईरान में हसन बिन सबा ने जोर पकड़ा, जिसके फदायों ने कई मारूफ शख्सियात को मौत के घाट उतार दिया। 1092 ईस्वी में सुल्तान मलक शाह सलजूकी की वफात के बाद इसके भाइयों और चार बेटों के दरमियान इख्तलाफ के बाद सलजूकी सल्तनत तकसीम होकर रह गई। अनातोलिया में सुल्तान कलज अरसलान अव्वल तख्त नशीन हुए। शाम में सुल्तान मलक शाह सलजूकी का भाई तोतश अव्वल हुक्मरान बना, जबकि ईरान में सुल्तान मलक शाह सलजूकी के बेटे मोहम्मद अव्वल ने बादशाहत कायम की। मोहम्मद अव्वल की अपने तीन भाइयों इराक में बरकियाक, बगदाद में मोहम्मद अव्वल और खुरासान में अहमद संजर से लड़ाई चलती रही। तोतश अव्वल की वफात के बाद इसके बेटों रिजवान और दोकक को बिलतरतीब हलब और दमिश्क विरासत में मिले। इन दोनों भाइयों की ना इत्तफाकी के बाद शाम भी कई हिस्सों में तकसीम हो गया। 1118 ईस्वी में सुल्तान अहमद संजर ने तमाम सलजूकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया, लेकिन सुल्तान अहमद संजर के भतीजे और मोहम्मद अव्वल के बेटे महमूद सानी ने सुल्तान अहमद संजर को तस्लीम नहीं किया और बगदाद में दारुल हुकूमत कायम करते हुए अपने सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। ताहम 1131 ईस्वी में सुल्तान अहमद संजर ने इसे भी जेर कर लिया। सलजूकी सल्तनत में फैली हुई खाना जंगी के बाद ही सलजूकी सल्तनत का जवाल शुरू हो गया था, लेकिन सुल्तान अहमद संजर ने फिर इस सल्तनत को सहारा दिया और किसी हद तक मुस्तहकम कर दिया। लेकिन 1141 ईस्वी में जंगे कतवान में कारा खतायों के हाथों सुल्तान अहमद संजर की शिकस्त के बाद सलजूकी सल्तनत मजीद कमज़ोर हो गई। सलजूकी सल्तनत के सियासी जवाल के आगाज़ और मुल्क भर में फैली खाना जंगी और तवायफुल मलूकी से उम्मत मुसलमा को एक परचम तले इकट्ठा करने वाली आखिरी कुव्वत का भी खात्मा होने लगा, तो अहलियाने यूरोप ने इसको भरपूर मौका जाना और बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों से वापस लेने की दारीना ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने का आगाज़ कर दिया। इस तरह अहलियाने यूरोप ने सलेबी जंगों का आगाज किया, जो कमोबेश 200 सालों तक मुसलमानों पर मुसल्लत रहीं। इन जंगों के आगाज पर यूरोप से बैतुल मुकद्दस के रास्ते में ईसाइयों का सबसे अव्वलीन टकराव अनातोलिया में सलजूकी मुसलमानों की हकूमत सलाजिकाए रूम से हुआ। ईसाइयों ने पहली सलेबी जंग में ही बैतुल मुकद्दस शरीफ पर कब्जा कर लिया था, जबकि इस जंग से पहले ही सलजूकी फातमियों के हाथों फलस्तीन गंवा चुके थे। सलेबियों और मंगोलों के हमलों से सलजूकियों की रही सही ताकत भी ख़त्म हो गई और बिलाखर 1260 ईस्वी की दुहाई में मंगोलों की अनातोलिया पर चढ़ाई के साथ आखिरी सलजूकी सल्तनत सलाजिकाए रूम का भी खात्मा हो गया।